मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सियर इंटरनेशनल स्कूल। अब तक 2.5 के हम 8 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं, पॉलीनोमियल सर्कल चैप्टर। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहता है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, ये आपका एक फॉर्मूला भी है, इसको भी आपको याद करना है। दूसरा, इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होती है। क्लियर? तो देखो, हमारे पास LHS में तो सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसको तो हम कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन RHS में यहाँ पे एक बहुत बड़ी टर्म दिख रही है, मीन्स दो टर्म्स है जिसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अपना RHS सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो देखिए, टेकिंग RHS कितना है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है। ठीक, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये LHS के इक्वल हो जाए तो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई में ये करते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, लेकिन यहाँ पे LHS में से दो ही टर्म्स है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। और किसके इक्वल ले आते हैं अपने LHS के इक्वल। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस x को कंप्लीट टर्म्स है तो ये हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर? फिर प्लस वाई को इस कंप्लीट टर्म से प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। क्लियर? अब यहाँ पे जो टर्म आपकी कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये दोनों कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल, कितना रह गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये किसके इक्वल आ गया हमारा, LHS के इक्वल। RHS को हमने सॉल्व किया, किसके इक्वल ले आए, LHS के इक्वल, हेंस दिस इज वेरीफाइड, दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर? ऐसे देखिए, नेक्स्ट है, अब वी हैव टू वेरीफाई दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो इसको हमें इसके इक्वल लेके आना है। ठीक, LHS में फिर से दो टर्म है, सिंप्लीफाई कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं RHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फिर से वही है, टेकिंग RHS, RHS कितना हमारे पास, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करिए, पहले x को कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x। देखो, और सिंपल करने के लिए पहले लिख लो एक्स को हमने मल्टीप्लाई करा कंप्लीट टर्म से, फिर आ रहा है माइनस वाई, माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट टर्म से प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? आगे, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। क्लियर? अब देखो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस कैंसिल, इससे माइनस एक्स वाई स्क्वायर से, क्योंकि सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, एंड यू विल गेट ओनली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज योर LHS। दिस एम्प्लाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे अब तक। अब हमने क्यूबिक के फोर फॉर्मूलेज हमारे पास हो गए। सबसे पहले हमने दो हमने जो रीड किए थे वो था एक्स प्लस वाई होल क्यूब, और एक हमने पढ़ा था एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक, और आज जो हमने दो नए फॉर्मूले रीड करे हैं वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्लियर? अब देखिए, पहले डिफरेंस क्लियर करिए, एक तो है एक्स प्लस वाई, दो टर्म का प्लस फिर उसका क्यूब है। ठीक, और एक फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, ये दोनों फॉर्मूलेज अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट, सेम नहीं है ये। ठीक है, तो देखो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। ठीक,
एक्स माइनस वाई होल क्यूब किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। फॉर्मुलेज आपको सारे याद करने हैं, ऐसे ही है जो आज हमने रीड किया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मुलाइज आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, अब देखो टेंथ क्वेश्चन में कहता है फैक्टराइज दीज टर्म्स, दो टर्म है इनको फैक्टर बनाना है। ठीक, तो आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, क्यूब दिख रहा है इसका मतलब क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई होएगा। ठीक है, अब देखो क्यूबिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा तो आप ध्यान दो यहाँ पे क्यूब वाली टर्म आ रही है फिर प्लस फिर से क्यूब वाली टर्म आ रही है। ठीक, बीच में साइन आ रहा है माइनस सॉरी प्लस, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक, फर्स्ट टर्म का क्यूब है प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब है, तो फर्स्ट टर्म को पहले होल क्यूब के लिखते हैं। अब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 27y क्यूब को हम 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्लियर, प्लस ऐसे ही 125 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, 5 का, तो 25z क्यूब को 5z का होल क्यूब लिख दें, क्लियर। और यहाँ पे आइडेंटिटी हम कौन से यूज कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। अब ध्यान दो तो x की जगह पे क्योंकि फर्स्ट टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म कितनी है 3y और सेकेंड टर्म y है यहाँ फॉर्मूले में और यहाँ पे कितनी है 5z, x की जगह पे कितना आ रहा है 3y और y की जगह पे कितना आ रहा है 5z, क्लियर। अब इसको देखो इसकी हेल्प से एक्सपेंड करते हैं तो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म मतलब 3y प्लस सेकेंड टर्म मतलब 5z, ये बनेगा ब्रैकेट स्टार्ट। अब है एक्स स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब कि 3y का होल स्क्वायर, क्लियर। आगे माइनस एक्स वाई मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3y इंटू 5z। ठीक, फिर प्लस साइन, फिर है y स्क्वायर मीन सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म कितनी है 5z का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया एक्सप्लेन। बस अब ये 3y प्लस 5z एज इट इज, और 3y का होल स्क्वायर कितना हो गया 9y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z इज 15yz प्लस 25z स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर, क्लियर हुआ। ऐसे देखो सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, इसका मतलब दो टर्म का क्यूब है यहाँ पे, ठीक सेपरेट टर्म्स है क्यूबिक की फॉर्म में और बीच में साइन आ रहा है माइनस, तो दो टर्म्स है क्यूबिक की फॉर्म में बीच में साइन आ रहा है माइनस, तो आप कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक, तो इतना समझ में आ गया यहाँ पे कि फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। तो अब देखो इनको यहाँ पे हमें दो टर्म की क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो 64m क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्लियर, माइनस 343m क्यूब को क्या लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 64 किसका क्यूब होता है 4 का और 343 किसका क्यूब होता है 7 का, ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, क्लियर। अब देखो कंपेयर करें तो x की जगह पे कितना आ रहा है 4m और y की जगह पे कितना आ रहा है 7n, अब वैल्यूज पुट कर दो तो कितना हो गया ये 4m माइनस 7n ब्रैकेट क्लोज 4m होल स्क्वायर प्लस 4m फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इज 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर, ये बनेगा मीन्स जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे कितना रख दें 4m और जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे 7m, तो ये हो गया आपके पास 4m माइनस 7n, 4m होल स्क्वायर इज 16m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n कितना हो गया ये 28mn प्लस 49n स्क्वायर, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके लिए पहले हम एक और फॉर्मूला अपने रेड करते हैं, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये आपके पास एलिजर्स है, इसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कंप्लीट आपके पास एक न्यू फॉर्मूला ऐड हुआ है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इसके इक्वल होगा फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. दिस इज योर न्यू फॉर्मूला. ठीक है, अब 11th क्वेश्चन में कहता है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz. तो हमने क्या देखा, यहाँ पे थ्री टर्म्स आ रही है होल क्यूब की. ठीक, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4. इसका मतलब फॉर्मूला हम यही वाला अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अब देखो इसको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट थ्री टर्म्स किस में होनी चाहिए हमारे पास, होल क्यूब के अंदर है. तो इसको पहले होल क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं. 27x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, प्लस में y क्यूब प्लस z क्यूब. इतना क्लियर? ठीक, फिर है माइनस 9xyz और यहाँ पे आ रहा है माइनस 3xyz, मतलब माइनस का 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म. तो अब देखो माइनस का 3 इंटू हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 3x, सेकेंड टर्म वाई वाई और थर्ड टर्म z. चेक करो इसको ये लिख पा रहे हैं, इसको अगर हम इस टाइप से लिखें. ठीक है, तो अब हम अपना अगर फॉर्मूला यूज़ करें, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यूजिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. तीन टर्म का क्यूब है और फिर उनका सम माइनस 3xyz किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही है. ठीक, अब कंपेयर करोगे तो x की जगह पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कितना आ रहा है 3x, y की जगह पे y है, z की जगह पे z है. बस अपने फॉर्मूले में पुट कर दो, किसके इक्वल होगा x प्लस y प्लस z, x की जगह पे कौन है 3x, ये हो गया 3x प्लस y प्लस z. क्लियर, फिर है x का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 3x का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर मतलब z स्क्वायर. ठीक, फिर है माइनस में एक्स वाई. क्लियर, तो माइनस में एक्स वाई मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 3x, सेकेंड टर्म वाई, माइनस में सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म वाई इंटू जेड, माइनस में थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज जेड इंटू 3x. क्लियर, अब ये कितना हो गया हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड. इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx. दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में हार्ड लेकिन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. किधर वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, मतलब इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं. ठीक, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ करना है कि ये टर्म इसके इक्वल होगी, मतलब फिर से वही कि एल एच एस को आर एच एस के इक्वल प्रूफ करना है. ठीक, तो एल एच एस में तो कोई टर्म है ही नहीं कि हम कोई फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकें. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका आर एच एस सॉल्व करते हैं और उसको किसके इक्वल लेते हैं, अपने एल एच एस के इक्वल. ठीक है, क्योंकि देखो एल एच एस जो है ये वाली टर्म किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो इसके इक्वल है. लेकिन अभी ये किसके इक्वल गिवन है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर. क्लियर, तो अब हम क्या करते हैं इस आर एच एस को सॉल्व करते हैं. ठीक, ये आर एच एस अगर इसके इक्वल आ जाए, ठीक है, ये किसके इक्वल है, अपने x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल, तो हम प्रूव कर सकते हैं. ठीक, तो सिंपली हमें क्या प्रूव करना है, पहले अपना RHS सॉल्व करते हैं. ठीक, तो टेकिंग RHS कितना है, 1/2 x प्लस y प्लस z, x माइनस y होल स्क्वायर y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर, यही है. ठीक है, तो देखिए कितना हो गया ये 1/2 x प्लस y प्लस z, ये एज इट इज रहेगा. ठीक है, अब देखो x माइनस y होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस y होल स्क्वायर पढ़ रखा है, इसके इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, इसी के इक्वल है.
प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर किसके इक्वल, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड इसी के इक्वल बनेगा। फिर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो, वन बाय टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर, यहाँ तक सही। फिर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अब हमें क्या लिख रहा है, इन सब टर्म्स में से टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन ले लो, ये हो गया वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टू हमने कॉमन लिया तो यहाँ से रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर, टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक, तो कितना रह गया, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, आर एच एस सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, अब हमने क्या देखा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, यही वाला फॉर्मूला है, चेक करो इसका, बिल्कुल यही आर एच एस बन गया। ठीक, तो ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, यही हमारा क्या था, एल एच एस। दस आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, यही हमें वेरीफाई करना। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आपको हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम आए, लेकिन इसको खुद से सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमने आर एच एस सॉल्व करा, आर एच एस सॉल्व करके फॉर्मूले के आर एच एस के इक्वल आ गया, जो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे एल एच एस के। ठीक, फॉर्मुलेज आपको सारे याद करने हैं, फॉर्मुलेज के बिना ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है इफ x + y + z इज इक्वल्स टू 0, ठीक, देन शो दैट x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है, कहता है कि अगर x + y + z 0 है तो ये शो करना है। ठीक, अब मैंने क्या देखा कि तीन टर्म्स का यहाँ पे क्यूब आ रहा है फिर सम आ रहा है, तो फॉर्मूला हमें जो आज पढ़ा है वही यूज होएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना वही फॉर्मूला लिख देते हैं, एज वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इसी के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो गिवन है उस पर ध्यान दो, गिवन क्या है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो। ठीक, मतलब ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी की बना, जीरो, तो आप वैल्यू पुट कर दो, जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब जीरो इंटू कितनी वाली टर्म हो, आंसर कितना आएगा हमारे पास, जीरो ही आएगा। ठीक, और जो एल एच एस है वो एज इट इज चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। ठीक, हमें क्या प्रूव करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मतलब इन तीन टर्म्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस का थ्री एक्स वाई जेड है, इसको आर एच एस में लिया है, क्या हो जाएगा, प्लस दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड, हेंस ये प्रूव करना था, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आज जो कराए हैं वो मेनली इसी पे बेस्ड है। ठीक, अब देखो ये जो हमने क्वेश्चन किया है, यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है, कहता है कि अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो, ध्यान से समझना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आ जाता है कि अगर किन्हीं तीन नंबर का सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। ठीक, तो उनके क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। दोबारा समझो कि अगर किन्हीं तीन नंबर का सम कितना आ रहा है, जीरो, ठीक, तो उनके क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, थ्री इंटू उन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स, क्यूब्स को कैलकुलेट करे बिना आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो एक तो मेथड यही था कि हम माइनस ट्वेल्व से इधर रखा है, माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव क्यूब,
तो एक तो आप क्या करते माइनस ट्वेल्व का क्यूब निकालोगे, फिर सेवन का क्यूब करोगे, फिर फाइव का क्यूब करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मना करा है कि क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक। तो देखो कैसे करोगे, अब आप यहाँ ध्यान दो, अपनी स्टेटमेंट यूज करेंगे जो इससे पहले क्वेश्चन में करी है कि अगर किन्हीं तीन नंबर का सम जीरो है, ठीक, तो ये सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो आप चेक करो, माइनस ट्वेल्व फर्स्ट नंबर हो गया, सेवन सेकेंड नंबर, और फाइव, माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव, माइनस सेवन माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस फाइव, कितना आंसर आ गया, जीरो। मतलब ये सेटिस्फाइड कर गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ गया, जीरो। तीन नंबर का सम जीरो के इक्वल है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था कि तीनों नंबर के क्यूब का सम, ठीक, मतलब माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव क्यूब, ठीक। तीनों नंबर के क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, थ्री एक्स वाई जेड, मतलब कि थ्री इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, मतलब ये जो क्यूब का सम है किसके इक्वल होगा, थ्री इंटू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है, माइनस ट्वेल्व इंटू सेकेंड नंबर, सेवन इंटू थर्ड नंबर इंटू फाइव। इसको आप सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। मतलब बहुत ही छोटा सा हमारे पास सॉल्व हो गया, नहीं तो क्या करोगे, इसका क्यूब करोगे, बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन होगी, ठीक। तो आपको अपनी स्टेटमेंट याद करनी है कि अगर तीन नंबर का सम किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल, तो उन तीनों के क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, थ्री इंटू उन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे देखो सेकंड पार्ट, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब, इनका क्यूब का सम पूछा है, तो पहले चेक करो क्या इन तीनों नंबर का सम जीरो आ रहा है, 28 माइनस 15 माइनस 13, नंबर तो यही है जो ब्रैकेट के अंदर लिखे है, 28 माइनस 15 माइनस 13, आ रहा है ये जीरो, ठीक। मतलब जो हमारी थ्योरम जब हमने पढ़ी थी वो सेटिस्फाई हो सकती है कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ गया, तो इनके क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, 3 इंटू फर्स्ट नंबर मतलब 28 इंटू सेकेंड नंबर माइनस 15 इंटू थर्ड नंबर माइनस 13, इसको मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ है यहाँ तक?